शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जाकर उस जगीरा से कह देना कि अब ये काली डाकू भवानी बन चुकी है और भवानी के कहर से अब उसे कोई नहीं बचा सकता। भाग यहाँ से। मेरी माँ को तड़पा तड़पा कर मारा था उसने और मैं भी तुम लोगों को तड़पा तड़पा कर मारूंगी। याद रखना तुम लोग। बेटी, ज्यादा देर अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। ठीक है पंडित जी, आप जीप लेकर आइए। चलो चलो। ये देखिए सरदार, जगीरा का सारा माल लूट लिया हम लोगों ने। अरे मैं तो नाम का ही सरदार हूँ, असली सरदार तो ये है, सरदार के सरदारनी जी। अरे वो जरा गन तो उठा, बार बोर वाली क्या बात है। मालूम इसे क्या कहते हैं? इसे कुछ भी नहीं मालूम। इसे कहते हैं, बाद में बताऊंगा अकेले में, ये रख दे। शाबाश काली, शाबाश पंडित। सरदार सरदार। अरे अरे गंगा, अरे गंगा तू आ गया रे। माल कहाँ है? सरदार सारा माल डाकू भैरव सिंह के आदमियों ने लूट लिया और वो काली डाकू भवानी बन चुकी है। अच्छा, वो कल की नौकरानी जो घर घर के बर्तन साफ करती थी वो काली भवानी बन गई? हाँ सरदार, और मुझे इसलिए जिंदा छोड़ दिया ताकि ये खबर आपको दे सकूं। जिंदा छोड़ दिया? अरे यही तो उसने अच्छा काम किया है। मेरे लाडले, मेरे गोदड़ी के लाल, उसने यही तो अच्छा काम किया है, क्योंकि तेरी मौत मेरे हाथों लिखी थी। सर। आओ राहुल बैठो। यस सर। भाई राहुल, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने अपना तबादला एक ऐसे गांव में करवाया है जहां डाकुओं का साम्राज्य है, जहां अच्छे अच्छे बहादुर ऑफिसर आने से डरते हैं और जहां हर वक्त मौत सर पर मंडराती रहती है। सर मैं मौत से नहीं डरता, इसीलिए मैंने अपनी पोस्टिंग अपने ही गांव में करवाई है। लेकिन इसी गांव में तुम्हारा घर है और उस घर में तुम्हारे पिताजी ठाकुर जगत प्रताप सिंह की हुकूमत भी है। सर मैं जानता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन सर कानून का रिश्ता जुल्म से है और कानून का फर्ज है जुल्म को खत्म करना, और अगर इस रिश्ते से मेरे पिताजी के ताल्लुकात हैं तो मेरे पिताजी को भी इसकी सजा जरूर मिलेगी सर, जरूर मिलेगी। गुड, वेरी गुड। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा, खुदा तुम्हें जरूर कामयाबी देगा। ऑल द बेस्ट।
बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार, सरदार की जय हो। सरदार, इस बार तो मैं दो दो खबर लाया हूँ। नंबर वन खबर सुनाओ पहले। सरदार, पहली खबर तो ये है कि गांव में काली के माँ के कत्ल का इल्जाम आपके नाम पर उछाला जा रहा है। क्या बात है, तो मेरे सर पर इल्जाम लगते जा रहे हैं। सरदार, दूसरी खबर है कि ठाकुर के दोनों बेटों ने गांव में नौटंकी का प्रोग्राम भी रखा है। नौटंकी? समझ गए। बड़े लाल, निकल ले, निकल ले। मुझे मत मारो। शर्माने किया तुम्हें, तुम्हारी नौटंकी की वजह से मेरे बेटों की जान चली गई। ठाकुर साहब, मैं तो छोटे ठाकुर ने पहले ही बोला था कि कवच पहन के जाओ थे। ठाकुर साहब, मैं माफी चाहता हूँ। तुम आए माफी मांगने से मेरे बेटे वापस नहीं आ जाएंगे। मेरे बेटे मुझसे दूर चले गए। मुझे 3 दिन के अंदर अंदर काली की लाश चाहिए। अगर उसकी लाश नहीं मिली तो मैं तुम्हारे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। ठाकुर साहब, मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा, लेकिन काली को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे दोस्त और शिवा देवा को मारा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहां के साथ डाकू भैरव सिंह भी तो है। तो उसके साथ डाकू भैरव सिंह भी मारा जाएगा। छत्री, खामोश। अब मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं रहा। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। गांव के अंदर जाओ, गांव के हर इलाके में पोस्टर लगा दो डाकू भैरव सिंह का। जो भी उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा, ये ठाकुर उसे 2 लाख रुपया इनाम देगा। डाकू भैरव सिंह कोई बकरी का बच्चा कोनी के, कोई भी दौड़ो और पकड़ लियो। ठाकुर, तू तो गियो काम से। हैं? क्या सोच रहा है? ठाकुर साहब, मैं सोच रहा हूँ 2 लाख कोई ज्यादा को नहीं। डाकू भैरव सिंह, उस पर इनाम 2 लाख का। अरे बंसी काका, डाकू भैरव सिंह तो देवता है, देवता। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं मास्टर जी, ये सब बिल्कुल झूठ है। ये सब जरूर ठाकुर साहब और बड़े लाल की कोई चाल है। चलो। डाकू भैरव सिंह, हाँ, 2 लाख का इनाम भी है। ओह, ये बात। चलो। क्या छोटे सरकार, ये पुलिस की वर्दी कहां से उठा लाए? वो भी 3-3 स्टार वाली। hey! छड़ा, मैं तुम्हारा सीनियर इंस्पेक्टर। क्या मजाक कर रहे छोटे सरकार? अच्छा। ये देख। कम ऑन, स्टैंड अप, सैल्यूट। सर, दैट्स अ वे। क्या नाम है तुम्हारा? सर, बड़े बड़े लाल चौधरी। हाँ, बड़े लाल। इस गांव में डाकू भैरव सिंह के पोस्टर्स किसके ऑर्डर से लगे हैं? ठाकुर साहब के कहने से। साहब, ओह शट अप। ठाकुर साहब के कहने पे? हाँ, तुम कानून के गुलाम हो, कानून तुम्हारा गुलाम नहीं, समझे? यस सर। यस सर। अभी के अभी ये पोस्टर्स हटवा दिए जाए। कम ऑन, कम ऑन सर, ए जा जाओ, पोस्टर हटाओ, जाओ। जी साहब। और आप लोग भी सुनिए, सारे गांव में नाकाबंदी कर दी जाए,
और हर आने जाने वाले पे नजर रखी जाए। चलिए मेरे साथ। मैंने कहा था ठाकुर, ये तो राम है राम। गलती से भाई रावण के घर में जन्म ले लिया है। लगता है इस गांव में रामराज आकर ही रहेगा। ठाकुर तू तो गया बारा के भाव में, तू ये तो एक राम ही बचा सकता है बस। बड़े लाल। यस सर। आया आया सर। सरदार, ठाकुर का बेटा एसपी बन गया। बाल खिलाकर उस रावण ने बना दिया उसको एसपी। लेकिन सरदार, उसके एसपी बनने से गांव में खतरा भी हो सकता है। क्या खतरा? खतरा होगा तो रास्ते से हटा देंगे उसको हम। नहीं सरदार, राहुल की वजह से हमें कभी खतरा नहीं हो सकता, और गांव में अपने बाप का साथ वो कभी नहीं देगा। देखो, पुलिस वालों का भरोसा नहीं है। सांप का बेटा सांप होता है, इससे पहले कोई फन उठाए उसे कुचल देना चाहिए। नहीं सरदार, राहुल हमारे खिलाफ कभी नहीं जाएगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। राहुल, तुम इधर आओ। देखो, मुझे तो मामला बहुत सीरियस और डेंजर होता हुआ लग रहा है, और तुम काफी समझदार हो। तुम जाके पता लगाओ कि वो चाहता है कि नहीं चाहता है। अगर चाहता है तो ठीक है, नहीं चाहता तो मैं देखूंगा। अरे साथ में जाओ। चल बस। इश्क इश्क, ओए तू समझा क्या बात है? नहीं सरदार। तू क्या समझेगा टफर? मेरी काजल, मेरी काजल तो कहाँ गई रे? मेरी काजल, अरे छोटे मालिक, ये बड़े लाल जुल्मी ने मुझे बंद कर रखा है, मुझे बहुत मारा भी है। सर ये तो पागल है, इसने पूरे गांव का जीना हराम कर रखा था। बड़े लाल छोड़ दो इसे, इसे मैं जानता हूँ, छोड़ दो। ओके सर, छोड़ो इसे भाई, छोड़ो। बड़े लाल जुल्मी, अरे तेरे को कीड़े पड़ेंगे जुल्मी। बड़े लाल, बड़े लाल जुल्मी, देख देख ना, एक दिन मैं काजल को ढूंढ निकालूंगा, जरूर ढूंढ निकालूंगा। गब्बर सिंह, मैं आ रहा हूँ गब्बर सिंह अपनी काजल को ढूंढने। लगता है शोले ने 36 बार तो देखी होगी। हाँ, अरे मान ले हमारी बात, नहीं तो मुंह तोड़ देंगे। हुजूर, हमको बचा लो। अरे सुनती क्यों नहीं? ये हमारा बाप है कि कसाई, हमारा शादी जबरदस्ती करवा रहा है, और वो भी मंदिर में घंटा बजाने वाले आदमी के साथ। अब तुम ही बताओ हुजूर, हम उस मंदिर में घंटा बजाने वाले के साथ शादी कैसे कर ले? बस, बस बस, ये थाना है पागलखाना नहीं। क्या हो पंडित जी, चिल्ला कर रही है लड़की? सरकार, अब आप ही हुजूर, आप ही बताओ। सरकार, हम ठहरे खानदानी पंडित आदमी, और ये हमारी बिटिया करम जली, बिटिया प्यार करती उस ठाकुर के बिटवा से। और हुजूर, अब आप ही बताओ हमारी पंडित परंपरा का क्या होगा? पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, ये प्यार जात पात नहीं देखता। प्यार तो प्यार है, किसी से भी कहीं भी हो सकता है। अच्छा ठीक है सरकार, हम अभी जाकर उस लड़कवा को लेके आते हैं। आप जरा ठीक से देख के बताना हुजूर कि उस लड़कवा में कौन सी बुराई है। चल बिटिया। अरे पंडित जी, एक मिनट एक मिनट। मोहतरमा, मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है, और बहुत ही नजदीक से देखा है। छोटे मालिक, मैं काली हूँ, तुम्हारी काजल, लेकिन तुम मुझे इस रूप में नहीं पहचानते छोटे मालिक। कहाँ खो गई आप? आपको क्या लगता है? अरे जवाब दीजिए। काली। अरे आपने कोशिश की तो गोली मार दूंगा। काली और डाकू भवानी। क्या बक रहे हो तुम बड़े लाल? सर मैं सच कह रहा हूँ, ये काली बनकर आपके घर में काम करती थी, लेकिन ये डाकू भवानी है। क्या तुम और काली एक हो? क्या बड़े लाल सच बोल रहा है? बोलती क्यों नहीं है तुम? सर ये क्या बोलेगी, मैं बताता हूँ। मेरी आंखों के सामने इसने आपके भाइयों का खून किया, लेकिन अब ये बड़े लाल के हाथों से नहीं बच सकती। ये तुम क्या कर रहे हो काली? हाँ छोटे मालिक, मैं वही काली हूँ जो अपने आप को बसूरत बनाए रखे हुए थी आपके भाइयों के डर की वजह से, और आज मेरा ये रूप भी आपके खानदान की ही देन है। काली, क्या कह रही हो तुम? ये लाओ पिस्तौल, मुझे लाओ, लाओ। नहीं छोटे मालिक, अब मैं वो काली नहीं, भवानी बन चुकी हूँ, डाकू भवानी। काली। हाँ। मत करो ये सब, तुम कानून से नहीं बच सकती। काली मत करो ये। ये क्या किया तुमने? एक एक इंस्पेक्टर का खून कर दिया। यू आर अंडर अरेस्ट। कब तक मुझे बंद रखोगे छोटे मालिक? एक घंटा, दो घंटा,
दो दिन? तुम नहीं जानते भैरव सिंह की ताकत को। जब उसे मालूम पड़ेगा मैं यहाँ कैद हूँ, वो तुम्हारे पुलिस स्टेशन को शमशान बनाकर रख देगा। शट अप भाई साहब, शट अप। हवलदार इधर आओ। जी सर। इंस्पेक्टर बड़ेलाल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इन दोनों पे नजर रखो, समझे? जी सर। छोटे मालिक मेरी बात। खबरदार, जो मेरी छोटे मालिक बुलाए तो ले जाओ इसे, जाओ यहाँ से। चलो बंद कर दो इन दोनों को। मारी छतरी में लागा मोर, मैं बोलू वंश मोर। काजल काजल छतरी लाजी। अबे वो आशिकों के खानदान के झड़े हुए फूल। अरे झड़ा हुआ नहीं, अरे झड़ा हुआ नहीं, खिला हुआ फूल हूँ मैं। ये खिला हुआ? अब छोड़ मेरे को। अरे छतरी लालजी, मुझे मार डालो लेकिन मुझे आशिक बना दो। उस दिन का हाथ भूल गया क्या? नहीं भूला, नहीं भूला। ले। अरे छतरी काजल को बुला लो, मुझे आशिक बना दो लेकिन मुझे मार डालो चलेगा। अरे आशिक बना दो, मुझे आशिक बना दो। साहब अवलदा सब ठीक है ना? साहब सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन साहब काली ने अब तक खाना नहीं खाया साहब। क्या? हाँ साहब। ठीक है तुम जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है साहब। काली, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुमने अब तक खाना नहीं खाया? भूख नहीं है मुझे। काली, ये तुम्हारा घर नहीं है, पुलिस स्टेशन है, चलो खाना खा लो। बड़ी कड़वी है रे ठाको। ठाकुर साहब, मैं मर गया। अरे क्यों भीगी बिल्ली की तरह कांपता हुआ अंदर आ रहा है? बार बारिश हो रही है क्या? अरे ठाकुर साहब कसम छतरी की, बहुत भयानक बारिश हो रही है। क्या मतलब है तेरा? ठाकुर साहब हमारे पास एक भयानक खबर भी से, वो काली है ना, उसने बड़े लाल को जिंदा टपका दियो, मार डाला उसको, और इस जुर्म में छोटे ठाकुर ने काली को जेल में अंदर बंद कर दियो है। काली को जेल के अंदर बंद कर दिया? हाँ, काली ने बड़े लाल को टपकायो और छोटे ठाकुर ने काली को अंदर कियो। जगीरा, अब पानी सर के ऊपर से जाता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले कि पानी सर के ऊपर से निकल जाए, मौत हमारे दरवाजे पर खटखटाए। जगीरा, काली को जेल के अंदर ही खत्म कर दो। उस सुसरी को ऐसी मौत के घाट उतारूंगा, ऐसी मौत के घाट उतारूंगा कि उसकी मौत को देखकर जमीन भी कांप उठेगी और आसमान भी कांप उठेगा, और जितनी भी मुजरा करने वाली बाई हैं, मुन्नी बाई, बसंती बाई, तिल्लो बाई, उनको मजबूरन तातैया छोड़कर, बंदूक छोड़कर फिर से मुजरा चालू करना पड़ेगा। याद रखना ठाकुर। ओ जगीरा भाई, मुजरा उनको नहीं थाने करना पड़ते, तो पुलिस आ रही है, एसपी आ रही है, पीछे के रास्ते से निकल लो अपने आदमियों के साथ। चलो चलो जल्दी बताओ।